नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। कैसे हो आप लोग? आप लोग को लग रहा होगा बहुत दिन से कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं आ रहा है। क्या करें यार, इधर ना कैलिफोर्निया में विंटर में बारिश होता है और लगातार बहुत सारे वीक से कंटिन्यूसली रेन ही हो रहा है। हम जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बारिश का प्रेडिक्शन आज भी देखो क्लाउडी वेदर है। रात से बारिश शुरू हो जाएगा, कल तो फुल बारिश है। अब इसमें कहाँ जाएंगे? और दूसरा रीज़न है गोगी जी एक 4x4 व्हीकल लेके आए हैं यूज्ड वाला, तो उसमें बहुत सारा चीज़ उसको मतलब रेक्टिफाई करना है, तो वो भी काम चल रहा है। क्योंकि एक बार वो हो गया तो जो कैंपर वैन लेके इतना दिन से पड़ा हुआ है शायद उसको निकाल सके, तो वो सारे ऊपर के ऊपर ना काम हो रहा है। तो बहुत दिन से हम मिले भी नहीं, एक महीने के ऊपर हो गया हम गोगी जी से मिले भी नहीं हैं। जितना जल्दी होगा मिलके कुछ प्लान करते हैं यार, कोई टेंशन मत लो, उसके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसे ही घर के आसपास तो आता ही रहता हूँ जंगल वंगल ट्रेल में, तो सोचा कि एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बहुत लोग पूछते रहते हैं, आप क्या जॉब करते हो यूएस में और हमको भी थोड़ा गाइड करो आईटी में क्या है ये सब, तो सोचा कि एक वीडियो बना ले। ये शायद बहुत लोग का काम का वीडियो ना भी हो सके। आप लोग अगर सिर्फ ट्रैवल वाला वीडियो चाहिए ये सब, तो ये वीडियो को स्किप कर दो, बंद कर दो। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, मेरे बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना है, या ये वीडियो के ज़रिए किसी का थोड़ा बहुत मदद हो सकता है, तो आप कंटिन्यू करो देखना, फिर दूसरे से शेयर करो ताकि दूसरे को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए आईटी के बारे में, वो अगर आईटी फील्ड में आना चाहता है या क्या चीज़ है ये सारे चीज़, राइट, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। चलो मैं कब से चल रहा हूँ, एक बढ़िया सा जगह देखते हैं, मेरा एक फेवरेट स्पॉट है, उधर चलते हैं, उधर बैठ के बात करते हैं। ओके बैठ गया इधर, क्योंकि नेचर में जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है या पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं वो तो कंपैरिजन से बियॉन्ड है, हमारा टाउन वाला चाहे किधर भी हो। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं आता रहता हूँ इधर, पूरा खाई है इधर से, पूरा एकदम डीप वैली दिख भी नहीं रहा है और पीछे पहाड़ और इधर ट्रेल है। कभी आएँगे इधर, मतलब एक ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे ट्रेल वेल में वॉक करते, मैं उसके बारे में भी सोच रहा था। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो टॉपिक ना मैं दो सेक्शन में बताऊंगा। पहला सेक्शन जो है वो मेरा जर्नी, आईटी में मैं कैसा आया या मैं क्या जॉब करता हूँ, और डिटेल में पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन में मैं बताऊंगा कि आपको अगर आईटी में आना है या आईटी में ऑलरेडी हो, उसमें ग्रोथ चाहिए या ये फील्ड में कदम रखना है, तो उसके बारे में मैं जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं आपसे शेयर करूँगा। आप उसको ऑथेंटिक एडवाइस आप मान सकते हो, क्योंकि मेरा आईटी में 18 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने आईटी का जो टॉप कंपनी से वर्ल्ड का उसमें काम किया है, मोस्ट ऑफ द टॉप आईटी कंपनी में इधर मैंने काम किया है, और उसका जो ऑफर था मुझे अपॉइंटमेंट लेटर था उधर मैं ज्वाइन नहीं किया, मतलब ऑफर रिजेक्ट किया है। उसमें से लाइक कैपजेमिनी, एक्सेंचर, IBM, टेक महिंद्रा, HCL, हुलेट पैकेट, ये सारे कंपनी में कुछ ना कुछ मेरा रिलेशन्स है। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो, वो बहुत सारा चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिक वीडियो में, इन पर्सन कोई मिलता है तो मैं बता देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं मेरा करियर, आईटी का जर्नी जो है। आप अगर मेरा रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको तो पता है कि हमको ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वर्ड्स या इंग्लिश बोलने के टाइम पे बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है, मेरा जो रीजनल लैंग्वेज है ना उड़ीसा, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है आपको, इवन हिंदी में भी, राइट। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो स्टडी हुआ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा, तो मेरा पूरा नॉर्मल म्यूनिसिपल उड़िया स्कूल में, उड़िया मीडियम में ही मेरा स्टडी हुआ, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस दिखता है। इनफैक्ट मेरा गांव में ना इवन स्कूल भी नहीं था, 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम
दो तीन किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरा स्कूल था, तो हम साइकिल में रोज़ जाते थे। सब 5 साल का टाइम ट्यूशन के लिए मल्टीपल बार जाना आना लगा रहता था। तो ऐसा मेरा जो हाई स्कूल है वैसा कंप्लीट हुआ। फिर हम गांव से थोड़ा सा एक टाउन पे गए, उधर मेरा 12th स्टैंडर्ड हुआ। उसके बाद मैं बहरमपुर में शिफ्ट हुआ, जो कि मेरा अभी फ़िलहाल का होम टाउन है। उधर मैंने एक सिंपल BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन आप बोल सकते हो, जैसे कि BA, BCom, BSc होता है, वैसा BCA होता है, या BSc कंप्यूटर साइंस टाइप बोल सकते हो आप। सिर्फ BCA किया, बाकी मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। BCA करने का टाइम पे ही मैंने दो कोर्स किया, एक तो प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक का प्रोग्रामिंग, तभी तो विजुअल बेसिक डिमांड में था, तो वो किया। फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग का एक कोर्स किया। हार्डवेयर नेटवर्किंग बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP, हमारा जो IT में रहता है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर एक ट्रेनिंग है, उसके ऊपर एक कोर्स किया। BCA का जो फाइनल ईयर होते होते मैंने कोर्स कर लिया था। और हमारा जो प्रोजेक्ट सबमिट होता है ना, लोग तो वैसे बाहर से खरीद के ये करके सबमिट करते हैं, लेकिन मैं मेरा खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। अभी भी हमारा बहरमपुर टाउन में एक बड़ा स्कूल में पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में खुद ही अकेले, इंक्लूडिंग उसका सारे सॉफ्टवेयर लिखना, सब कुछ मैंने सिंगल हैंडेडली किया था। वो BCA के टाइम पे ही मैंने कर लिया था। फिर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई जॉब नहीं मिला। फिर ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक छोटे कंपनी में मैंने शुरू किया काम, एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट टाइप काम। वो 3 साल हो गया, फिर मैंने मूव हुआ मुंबई में। तो मुंबई में मैं बहुत टाइम तक रुका, आई थिंक मोर देन 3 ईयर्स 4 ईयर्स के आसपास मुंबई में रहा। उधर एक कंपनी में काम किया 8 महीने, और जो 8 महीने का जो स्किल था वो कई सालों का एक्सपीरियंस मुझे दे दिया। वो मुझे याद है यार, मतलब मुंबई का लाइफ तो आपको पता है कि ऐसा ट्रेन्स जो रहते हैं कैसा, मतलब फुली क्राउडेड रहते हैं। तो मैं क्या करता था ना, मैं ऑफिस में ही बैठा रहता था, आता नहीं था। ऑफिस छुट्टी होता था 5 बजे, लेकिन मैं 8-9 बजे तक नहीं आता था, क्योंकि इतना भीड़ में कौन जाएगा। मैं उधर ही बैठा रहता था, क्योंकि कंप्यूटर है, AC है, पढ़ना है, तो मैं सारे चीज़ पढ़ता था। मेरा बॉस भी बोलता था, घर जाना टाइम हो रहा है, क्या कर रहा है। मतलब सर जाके क्या करूँगा, वैसे भी भीड़ है, इधर AC है, सब कुछ है, डिटेल्स है, इंटरनेट है, पढ़ने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। अभी घर पर जाके खा के सोना है और क्या करना है। तो बहुत बार मुझे मेरा बॉस ने भी वो सब देख के ना, मेरा बॉस ने भी बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे। इवन वो ना ऐसा सर्वर रूम में लेके, ब्लेड सर्वर, बड़े बड़े सर्वर्स होंगे ना, ऐसा बिछा देता था और बोलता था असेंबल कर। मैं सर ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं, कर, टूटेगा तो मैं हूँ ना, तो टेंशन। मतलब लोग भी देखते हैं, आप अगर कुछ सीखने का कोशिश करते हो ना, लोग मिल जाते हैं मदद करने के लिए। ओब्वियसली आप बोल सकते हो कि शायद लक है मुझे ऐसे लोग भी मिले, बट इट ऑल डिपेंड्स अपन, मतलब आप कैसे दूसरे से, आप कैसे बिहेव करते हो, या कैसे आप घुल मिलते हो, कैसा बात करते हो, और आपसे कितना एफर्ट वो लोग देखते हैं, राइट। वो सब भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि बहुत मायने रखता है। क्योंकि इतना सारा मैं सीख गया था, तो पहला मेरा जॉब लगा बेयर करके, एक मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन बेस्ड, तो उधर भी मैंने काफ़ी काम किया। मल्टीनेशनल कंपनी है, इवन जर्मनी जाने का मौका मिला मुझे, 2-3 महीना उधर मैं जर्मनी गया था। फिर एक के बाद एक मल्टीनेशनल, आप मैं कंपनी का नाम तो बताया, तो एक के बाद एक, मैं तो बोलता है ना लाइफ टू एक्सप्लोर, सिर्फ लाइफ ही एक्सप्लोर नहीं करता, मैं टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा एक्सप्लोर करता हूँ। ये चीज़ मज़ा आ रहा है, काम करो, नहीं मज़ा आ रहा है, ये छोड़ो, दूसरा सीखो, दूसरा जाओ, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा करके मल्टीपल कंपनीज मैंने काम किया 18 साल। फिर इंजीनियर से ऊपर बढ़ बढ़ के अभी एक मैनेजरियल लेवल में काम कर रहा हूँ, काफ़ी साल हो गया, 4-5 साल हो गया जो मैनेजर लेवल में। अभी टेक्नोलॉजी जो सपोर्ट टेक्नोलॉजी टीम है, मैं उसको मैनेज करता हूँ। इवन इंडिया में करता था, US में आया। हाँ मैं बताता हूँ कौन सा फील्ड में मैं काम करता हूँ, राइट। तो मेरा जो फील्ड है IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में भी बहुत बहुत सारे चीज़ है, सर्वर्स है, नेटवर्क्स है, क्या क्या नहीं है। तो मेरा जो है मिक्स्ड काइंड ऑफ सेटअप है, उसको बोलते हैं वर्कप्लेस सर्विसेज एंड यूज़र कंप्यूटिंग। मतलब आप मानो कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी उठा के ले लो, दुनिया का कोई भी कंपनी, वो कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन रहता है, उनके पास कंप्यूटर्स रहते हैं, उनके पास प्रिंटर रहता है, बहुत सारे चीज़ रहता है, जो कि कंपनीज़ का एंड यूज़र जो लोग है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो बैंक का एक स्टाफ, वो मोबाइल भी यूज़ करता है, लैपटॉप भी यूज़ करता है, वो सर्वर भी है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। तो हम उन लोग का जो लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, उसका रिलेटेड बहुत सारे सर्वर्स है, वो सारे चीज़ का सिक्योरिटी, ओके, मतलब आप बोलते हो मैं IT सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का एक काइंड ऑफ पार्ट, लिटिल बिट IT सिक्योरिटी और एंड यूजर कंप्यूटिंग, उसका मिक्स्ड काइंड ऑफ सेटअप है। आप मानो एक बैंक है, उसमें
मानो बहुत सारा ब्रांच है इंडिया में, राइट, और सारे ब्रांच में मानो लाखों कंप्यूटर से उसमें एक सॉफ्टवेयर भेजना है, हम कैसे भेजेंगे, राइट? हम इधर से बैठ के या इंडिया में घर पे भी बैठ के कर सकते हैं वो, उसको भेजना है तो वो रिमोटली हम सारे मशीन में डाल सकते हैं। वैसा सिक्योरिटी, वो सिस्टम में सब सिक्योरिटी क्या क्या देखना है, तो एक जगह पे बैठ के आप वो सब कर सकते हो। सेम टू मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल होना रहता है, निकालना रहता है, उसका भी सिक्योरिटी से, उसका भी आप कौन सा चीज़ क्या कर सकते हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा सर्विस में रहता है, तो वो सारे चीज़ हम मैनेज करते हैं। तो इधर क्यों आया, क्योंकि इधर क्लाइंट के साथ हमारा मीटिंग्स रहता है, क्लाइंट के साइट में जाना रहता है, बहुत सारा चीज़ अभी तक आया नहीं, तो उनको हम उनको फैसिलिट क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि क्या क्या और चीज़ करना है, और सारा चीज़ ये सब चीज़ों में लेके आना है अभी तक जो है नहीं, राइट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में है नहीं, तो ऐसा कुछ काम है। तो ये तो मुझे लगता है कितना टाइम, मैं दूर थोड़ा बैठा हूँ, देखता हूँ कितना टाइम हुआ, हाँ 9-10 मिनट तो यही हो गया। कभी अगर टाइम मिलेगा ना पूरा डिटेल में बताऊँगा, वो भी एक एक्साइटिंग जर्नी है मेरा IT का, जितना आसान में अभी तक बोल दिया इतना आसान तो है नहीं। और एक चीज़, ये जो सीखने का टाइम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप आज के ज़माने, आज क्या, तब से मैं जब से IT में आया तब से तो गूगल इंटरनेट ये सब है ही, सारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सीखना चाहोगे ना दुनिया में मतलब कुछ भी सीख सकते हो, आजकल का टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया। तभी मैं बोला ना 8 महीने में इतना सारा सीखा, तो वो टाइम में मैं क्या करता था, एक तो मैं आपको बोला कि मैं ऑफिस में बैठा रहता था, इंटरनेट है उधर सीखता था। दूसरा, जब आता था ना प्रिंट मार के 10-15-20 पेज ऐसा कोई भी एक टॉपिक उठा के प्रिंट मार के लेके आता था, और मुंबई का ट्रेन तो आपको पता है इतना भीड़ है, उधर नहीं पड़ा, हम कैसे कैसे करके मुंबई का ट्रेन का जो ऐसा लोग बैठते हैं ना, लोग के बैठने के अंदर उधर 3 लोग खड़ा हो सकते हैं आराम से, वो थोड़ा कंफर्टेबल जगह पर आप खड़ा हो सकते हो, बाकी जगह पर तो आपका हालत ख़राब है, तो वो जगह तक कैसे कैसे करके पहुँच जाता था मैं। फिर उधर से 45 मिनट्स, मैं रहता था कल्याण में, मेरा ऑफिस था दादर में, तो पूरा वो 45 मिनट्स में ना एक टॉपिक ख़त्म, ऐसा रोज़। आप मानो मतलब मैं वो टाइम पे इतना सीखा, क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे ही मैं सीखता था कॉन्फिडेंस बिल्ड, अरे मुझे आज ये पता चल गया, आज मुझे ये हो गया, आज मैं मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे आपको ऐसा फील होता है यार पूछ क्या पूछने हैं, मुझे तो इतना सारा चीज़ पता है अभी टेंशन नहीं। तो कॉन्फिडेंस में आप जब कोई भी इंटरव्यू में जाते हो ना, वो जो पूछेगा एक दो आंसर दे दोगे, फिर आपको लगता है कि आप तो किंग हो, अभी पूछो जो पूछने। तो आप जितना हो सके नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो क्यों ना हो। मैं ये IT फील्ड में बता रहा हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट, मोस्ट ऑफ द जॉब। पता नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ कि नहीं, अगर मिस कर रहा हूँ तो कमेंट देना, मैं शायद दूसरा और एक वीडियो बना दूंगा। तो मेरा ये जर्नी था, राइट, मैंने बता दिया मैंने IT में इधर क्या कर रहा हूँ, IT सिक्योरिटी, एंड यूजर कंप्यूटिंग, मिक्सड ऑफ लिटिल बिट क्लाउड, ये सारे का एक कॉम्बिनेशन पैकेज आप बोल सकते हो। ऐसा मैं डिटेल में काम करता हूँ, आई एम काइंड ऑफ मैनेजिंग ए टीम इधर से US में, क्लाइंट को हेल्प करता हूँ। तो ये मेरा पार्ट हो गया, अभी आते हैं सेक्शन नंबर 2, IT करियर। इसको ना मैं दो टाइप का मतलब दो लोगों के लिए बताऊँगा, एक जो बिल्कुल ही IT के बारे में पता नहीं है, राइट, जैसे कि BA, BCom, BSc ये सब लाइन पे है, IT को भी पढ़ा नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, और जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में है, पढ़ चुके हैं, करियर की शुरुआत हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। तो पहला कैटेगरी के बारे में बोलता हूँ, जो BA, BSc, BCom, तो ये जो कैटेगरी है, अगर आप लोग को IT में आना है बिंदास आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का कोई भी इंसान IT में घुसना चाहता है घुस सकता है। आप सोच रहे हो नहीं उसको खाली BTech BSc चाहिए, भाई मैं BCA हूँ, मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बैचलर इन आर्ट्स अभी भी स्कोप बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉप कंपनी सिर्फ ग्रेजुएट देखते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, ठीक है, तो कोई भी आ सकता है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं, तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ढूंढ के कंप्यूटर फंडामेंटल, राइट, और प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज, और ये जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बारे में थोड़ा गूगल करके देख लेना। मैं जो वर्ड्स बोलता हूँ, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP, ओवरऑल IT नेटवर्क, जो नेटवर्क में CCNA करके कोर्स होता है, वो सारे कॉम्बिनेशन का बहुत सारा इंस्टीट्यूट कोर्स देते हैं, वो कोर्स करना आप लोग को ज़रूरी है, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये है क्या चीज़ है, IT की है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, LAN क्या है,
लोकल एरिया नेटवर्किंग कैसा होता है, सर्वर क्या होता है, ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, कैसे सब कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स प्रिंटर्स, हम इधर से बैठ के कुछ करते हैं तो क्या इंटरनेट कैसा कनेक्ट होता है, इंटरनेट है क्या, आईपी एड्रेस क्या, ये सारे चीज़ के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो कोर्स ज़रूरी है। ये करने के बाद ना आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो मिली जाएगी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में जाओगे उसका टीचर बताएगा, दोस्त लोग बताओगे, इधर उधर का स्टोरी सुनोगे, तो आपको वैसे भी मालूम पड़ना लगेगा कि क्या क्या चीज़ है आगे और क्या सीख सकते हैं। आईटी समुंदर है, ऐसा नहीं कि आप एक कोर्स कर दिया इधर घुस गया, नहीं हो, आईटी मतलब एकदम समुंदर। आप तो सुन रहे होंगे, अभी देखो मैं नाम बोलूँगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी आया चैट जीपीटी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट वो सब बोलते हैं, क्लाउड हमारा सिक्योरिटी का हो गया, सिक्योरिटी में हमारा पूरा आईटी सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, ये हो गया, डेटाबेस हो गया, प्रोग्रामिंग तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो मतलब उसका भी बहुत सारा है। तो आपको जैसे ही आपको ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ोगे और ये जो सब बोला मैंने क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब उसके बारे में नॉलेज गैदर करना शुरू करो, फिर ये कोर्स फंडामेंटल ये सब कंप्लीट करने के बाद जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग लगता है, यू डोंट गो विथ विच इज़ हाई पेइंग जॉब, क्योंकि अगर आप हाई पेइंग जॉब के बारे में सोचते हो, मीन्स अगेन जो गीता का कर्मन ने वाधिकारस्ते ना फलेषु करा वही हो गया, मतलब आप पहले फोकस हो गए रिजल्ट पे, पैसा कितना मिल रहा है, फिर आप उसमें घुसोगे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आपको आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, आपको ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है या प्रोग्रामिंग में कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाई पेइंग है मुझे ये सीखना है, कभी नहीं होगा, वो बहुत फंसोगे, अगर हो भी गया तो भी बहुत बुरे फंसोगे। आपको हमेशा देखना है कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगा फिर ऑटोमेटिक आपका जो ध्यान है ना वो फल में नहीं जाएगा, हाई पेइंग है कितना पैसा मिल रहा है उसमें जाएगा ही नहीं, आप इतना घुस जाओगे वो इंटरेस्टिंग चीज़ों में जानने के लिए, आपको कभी नहीं आएगा वो क्या मिलेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगा, आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बिल्ड होगा, और आप इंटरेस्ट बिल्ड होकर कोई सीख के एक्सपर्ट बन गए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, जॉब मिलेगा ही मिलेगा, वो लाइन पे आप एक्सेल करते जाओगे, और जैसे ही आप घुस गए एक बार शुरू हो गया करियर फिर तो आप सीखते ही जाओगे, आगे बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर वाला तो है ही मदद करने के लिए, आप अगर कोशिश किया, कर्म आप कर ही रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही रहे हो, फिर ऊपर वाला जॉब देगा उसके हिसाब से हम खुश रहेंगे। ये हो गया जो नॉन आईटी बैकग्राउंड्स के हैं, बाकी जो बंदे आईटी बैकग्राउंड से बीसीए किए हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक जो कुछ भी कोर्स किए हैं अभी तक कोई करियर लॉक, जो जिसका तो अच्छा कॉलेज में होके ऑलरेडी लग गए जॉब में उसका तो कोई टेंशन नहीं है, अपने आप रास्ता खुल ही जाता है, फिर इंटरेस्ट के हिसाब से ये एप्लीकेबल है जो मैंने बोला ऑलरेडी, जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो लाइन पे जाओ। ये सारे लोग भी जो हम पढ़ते हैं कोई भी बीसीए भी ये सारे चीज़ जो पढ़ते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहता है ना वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब आप कोई कॉर्पोरेट लाइन में जाते हो। मैं हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज लिया है ये सारे कंपनीज में, मैं कभी किसी का जाके ना ये नहीं देखता क्या क्या पढ़ाई किया है, बीटेक किया है या बीए किया है, मुझे चाहिए मेरा टीम में चाहिए ये काम का बंदा, उसको क्वेश्चन पूछूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुझे, नहीं आ रहा है तो डू यू हैव एबिलिटी टू मतलब वो उसके रिलेटिवली सीख के करने वाला कुछ रिलेटिवली आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू सी वे बंदे के पास इंटरेस्ट है, काम किया है, करने की कोशिश किया या कुछ किया कि नहीं किया, उसके बेस पे नहीं, एजुकेशन बेस के तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं आजकल कोई भी कंपनी नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको चाहे कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप आए हैं तो आपको एक कोर्स तो करना ही पड़ेगा, आप ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है तो मार्केट का एक उठाओ जो आपको इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि मैंने बोला ये जो सारे चीज़ मैंने बोला राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में भी ढेर सारे है, आपको पता रहेगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास पास, ये आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, वो भी कैटेगरी हो गया। तो आप थोड़ा आरएनडी करो यार, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करो, एक काम करो, एक एक दिन एक एक टॉपिक लेके बैठो, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड सिक्योरिटी, इंडिविजुअल कंप्यूटिंग, वर्कप्लेस सर्विसेज, ये सर क्या होता है, पढ़ो मतलब हर दिन एक टॉपिक लो उसको पढ़ो, आपको नेचुरली ना एक मालूम पड़ेगा यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। डोंट थिंक अबाउट मनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट थिंक अबाउट हाई पेइंग जॉब्स, थिंक जितना आप स्टडी करोगे सारे फील्ड में ये सब में से कौन सा ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है आपको, अच्छा ये इंटरेस्ट लगता है, मैं गूगल में पढ़ा, ये है यूट्यूब में,
इतना सारा इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब गूगल में है ना, आपको इवन यू नो नीड टू गो फॉर ए कोर्स, बट ऑब्वियसली फॉर स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए आपको बेटर है जाओ. आजकल तो ऑनलाइन कोर्स भी आ गए बहुत सारे, यू नो नीड टू गो टेक ए फिजिकल क्लास. तो जैसे ही आपको मालूम पड़ा एक टॉपिक के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज़्यादा टाइम और स्पेंड करो, फिर आपको लगेगा नहीं यही मेरा अच्छा वाला चीज़, मुझे इस पे ही जाना है, उसमें घुस जाओ भाई, जंप मार दो. मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जो चीज़ आपको मालूम पड़ गया कि इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप उसमें टाइम स्पेंड करना लग गए, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा जॉब के लिए. तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है. अभी देखो, हम अभी भी अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, तीन साल पहले तक जब मैं थोड़ा सा टेक्निकल तक था, अभी तो टेक्निकल थोड़ा कम हो रहा है, मैं ऑफिस में रहता था 8-9 बजे तक, घर पे आके ना 1 बजे तक पढ़ता था. क्लाउड कंप्यूटिंग का जब आया था, क्या है क्या चीज़ कर, तो ऐसा करके ना मुझे एक बार मैंने ट्राई किया तो इवन HCL का जॉब ऑफर आ गया था. मैं जब कुछ नहीं पता था मुझे क्लाउड में, कभी काम भी नहीं किया था. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हो, जब आपके पास OTP आता है, राइट, वो क्या चीज़ है. जब मेरे पास जॉब कॉल आया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैंने बोला चला ये तो कुछ पता नहीं मुझे, क्या चीज़ है, क्या जॉब दूंगा. लेकिन उसको मना नहीं किया, मतलब ट्राई करते हैं उसमें क्या जाता है. लेकिन एक हफ्ता था, एक हफ्ता मैंने इतना पढ़ा उसके ऊपर, पूरा पता चल गया. और मैंने इवन लैब सेटअप करके OTP मेरा मोबाइल फ़ोन तक आने तक मैं R&D कर दिया. फिर बोला चल अब इंटरव्यू ले. फिर क्योंकि आप थियोरिटी भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी R&D कर दिया, तो क्रैक भी हो गया, इवन ऑफर लेटर भी मुझे आ गया था. तो देखो ये सारे रह गया, आप कितना कोशिश करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है. कोई भी चीज़ होने दो यार, जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप खुद पूरा मन लगा के उसमें ट्राई मारा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको जॉब से. तो एक फ्लो में मैं दिल से जो आया पूरा डिटेल में बता लिया. पता नहीं क्या मिस किया नहीं किया, अगर कुछ मिस किया रहेगा तो ढेर सारे क्वेश्चन आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, होगा तो मैं और एक इसका नेक्स्ट वाला एक बना लूँगा. और प्लीज़ मुझे मैसेज ईमेल मत करना फॉर जॉब. मैं मानता हूँ कि जॉब जो है ना वो आपका खुद कैपेबिलिटी से एबिलिटी से आना चाहिए. मैं उसमें कुछ नहीं मदद कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मुझे भी चाहिए रहता है कोई, फॉर एग्जांपल मेरे टीम के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो इंटरनल पूल में देखता हूँ या HR को बोलता हूँ. HR भी क्या बोलेंगे, टैलेंट जो हमारा टैलेंट टीम रहेगा वो इंटरनली देखेगा, मतलब वो टीम के अंदर या पूरे कंपनी के अंदर कोई ऐसा अवेलेबल है क्या. वो नहीं होगा तब भी जाके वो बाहर देखेगा, वो भी HR देखेगा. हमारे पास एबिलिटी नहीं कोई बाहर से उठा के लेके आए, ठीक है, ऐसा है. और ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा बहुत सारे इवन रिलेटिव्स है, इवन मेरा बेटा भी रहेगा तो बोलेगा भाई करेक्ट वे में आ, ठीक है, तभी जाके तुझे एकदम मार्केट मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है, वो एक्सपीरियंस गेन करके आएगा. फिर मेरा कंपनी क्या यार, 5 कंपनी तेरे को बुलाएंगे. तो उस पर प्लीज़ अवॉइड करो, नहीं तो कभी कभार ना ऐसा बहुत सारा मेल आता है, सर मेरा रिज्यूम ले लो, मुझे भी ये करना है, प्लीज़ हेल्प करो. ऐसा प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, मेरा सिचुएशन समझो यार, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ ऑप्शन है भी नहीं. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए, थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला. अगर आपको ऐसा फील होता है कि दूसरे को ये वीडियो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इंस्पायरेशन मिलेगा, या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि दूसरे से शेयर करना चाहिए, तो शेयर कीजिए. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ.